हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। आज बात करेंगे हम एक ऐसे वायरस के बारे में जिसके बारे में आम आदमी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बचाव किया जा सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। चलिए जानते हैं मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो कि जानवर से इंसानों में फैलता है, और इंडिया में भी हाल ही में न्यूज़ चैनल पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान में कुछ चेचक टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में भी कंफ्यूजन पैदा होता है इसको समझने में। हालांकि यह क्लिनिकली रूप से ज़्यादा गंभीर नहीं बताया गया है। 1970 में अफ्रीका के कोंगो में सबसे पहले एक 9 महीने के बच्चे में पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद इसका प्रकोप 2003 में अमेरिका में देखने को मिला था। बताया गया था कि जो जंगली जानवर होते हैं उनसे पालतू जानवरों को इन्फेक्टेड इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में इंसानों में फैल गया। इन्फेक्शन होने की इसकी वजह एनिमल से इंसान में, जैसे कि कोई पालतू जानवर है उसको इन्फेक्शन हुआ हो किसी जंगली जानवर से, तो उस पालतू जानवर के या तो घाव को टच करने से हो सकता है या फिर उसके तरल पदार्थ के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। इसी प्रकार इंसान से इंसान में, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड इंसान है उसकी किसी भी यूजेबल चीज़ जैसे तौलिया या फिर खाने पीने की चीज़ हो सकती है, उसके बिस्तर वगैरह हो सकता है, उसके कॉन्टेक्ट में आने से किसी भी नॉर्मल इंसान को हो सकता है। अब जानते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। मंकी पॉक्स की अवधि इंसान में 1 से 6 दिन या फिर 1 से 13 या 21 दिन तक हो सकती है। स्टार्टिंग की 1 से 5 दिन तक इंसान में तेज बुखार, जाड़े के साथ बुखार, सर में दर्द, कमर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, वीकनेस या फिर लिम्फ नोड्स में सूजन देखने को मिल सकती है। और पहले से 30 दिन के अंदर मंकी पॉक्स के दाने भी देखने को मिलते हैं। मंकी पॉक्स के दाने 95% केसेस में चेहरे पर देखे गए हैं और 75% केसेस में हाथ की हथेली और पैर के तलवे में देखे गए हैं, और 70% केसेस में इसके दाने मुंह में देखे गए हैं, और 30% केसेस में जननांग में देखे गए हैं। मंकी पॉक्स वायरस इंसानों में एडल्ट में कम और बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। मंकी पॉक्स के जो दाने होते हैं वह स्टार्टिंग में एक दाने निकलते हैं, निकलने के बाद उनके अंदर येलो कलर का फ्लूड भरता है, उसके बाद में वो फूट जाते हैं और फिर सूख कर झड़ जाते हैं। रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक चलता है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस की कोई भी वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए और मेडिकल से रिलेटिव और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएँ। धन्यवाद।